उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए उचित प्रबंधों और व्यवस्थाओं को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय में जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा गंधर्वा राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्री सिंह, अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी रोहित राठौर आदि उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथियां अभी निर्धारित नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर 2022 के बाद कभी भी होने की संभावना है। इसी के दृष्टिगत सभी विभाग विधानसभा सत्र के सफल संचालन हेतु अपनी जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर समय से अपनी तैयारियां पूरी कर लें। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और विधानसभा सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने, यातायात प्रबंधन, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति, खानपान, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक प्रबंधकों को लेकर चर्चा की गई है। देखिए, जो विंटर सेशन है विधानसभा का, वो भी धर्मशाला के अंदर होना अपेक्षित है। हालांकि अभी विधानसभा की तरफ से कोई भी डेट्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं की गई हैं, परंतु जो लेटेस्ट सूचना है उसमें लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर ये जो विधानसभा का सत्र यहाँ पे धर्मशाला के अंदर होना अपेक्षित है। और इसमें सभी जो आज डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक बैठक ली गई है यहाँ पे, और उनको जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो दी गए हैं, इंक्लूडिंग जो अगर माइनर रिपेयर्स हैं विधानसभा बिल्डिंग के अंदर होनी है उनके बारे में डायरेक्शंस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिए गए हैं। वहाँ पर जितने भी कनेक्टिविटी रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो कंप्यूटर प्रिंटर या लैंडलाइंस BSNL की कनेक्टिविटी, सारा उस बारे में भी डिपार्टमेंट्स को हैं डायरेक्शंस दी गई हैं। पुलिस को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है या ट्रैफिक प्लान्स हैं उनको भी अपना पहले बना के रखें और दुरुस्त रूप से उनको अपना जो इम्प्लीमेंट है वहाँ पे करें। साथ ही साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी डायरेक्शंस दी है कि जो सड़कों का रख रखाव है उसके ऊपर भी ध्यान दें, और साथ में जो जोरावर स्टेडियम है उसकी भी एक बार जो सफाई है, क्योंकि वो पार्किंग के लिए ग्राउंड को यूटिलाइज किया जाता है, तो उसके लिए भी जो उचित कदम है वो उठाए जाएं। तो इन तमाम प्रकार की जो डायरेक्शंस हैं, HRTC को डायरेक्शंस दी गई हैं कि शटल सर्विस जो है वो जोरावर स्टेडियम से विधानसभा के लिए चलाई जाए, और साथ साथ जनरल पब्लिक के लिए भी यहाँ से एक जो स्पेशल बस रूट है विधानसभा के लिए उसको भी शुरू किया जाए, ताकि जो लोग जो माननीय विधायकों से मिलना चाहते हैं विधानसभा के दौरान उनके लिए सहूलियत हो सके और उनका आने जाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ से धर्मशाला से सुनिश्चित की जा सके। तो इस प्रकार तमाम डिपार्टमेंट्स को जो जो उचित दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, और मैं मानता हूँ कि जो तैयारियाँ हैं समय रहते जिला प्रशासन द्वारा कर ली जाएगी एक सफल आयोजन की, जो हमारे यहाँ विधानसभा का जो सत्र यहाँ पे किया